चलिए देखिए, क्वेश्चंस जो है हमारे, क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास दिया हुआ टू वेक्टर्स टू आई प्लस एम जे माइनस थ्री एन के, एंड सेकेंड वेक्टर इज फाइव आई प्लस एम फाइव आई प्लस थ्री एम जे प्लस एन के। आर सच दैट द मैग्नीट्यूड आर रिस्पेक्टिवली रूट 14 एंड रूट 35, वेयर एम एंड एन आर इंटीजर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया गया, हमारे पास दिया गया है दिस इज वेक्टर ए, आप इसको ए वेक्टर मान लीजिए और इसको बी वेक्टर मान लीजिए, और हमें दिया गया मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू रूट 14 एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू रूट 35। दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ ए की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ टू स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस थ्री एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 14। ये आ जाएगा आपके पास फोर प्लस एम स्क्वायर प्लस माइनस नाइन एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14। स्कोप वन ले लीजिए, एंड सिमिलरली हमारे पास क्या आएगा, सिमिलरली अंडर रूट ऑफ फाइव स्क्वायर प्लस थ्री एम स्क्वायर प्लस ये हमारे पास थ्री एम जे प्लस एन टाइम्स के है, तो प्लस एन स्केयर इज इक्वल्स टू रूट 35, और दिस इंप्लाइज दैट 25 प्लस नाइन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 35। ठीक है, अगर हम लोग इसको देखें सो वी गेट एक्चुअली वी गेट इट एज, हम मान इसको लेते हैं एम स्क्वायर माइनस नाइन एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नाइन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। इसको आप टू ले लीजिए एंड वन आप इसको ले लीजिए। तो आपके पास दो इक्वेशंस बन गई, अब दो इक्वेशंस एम स्क्वायर और एन स्क्वायर की फॉर्म में बन गई, इसलिए आपके पास एम स्क्वायर की भी दो वैल्यूज आएंगी और एन स्क्वायर की भी दो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि ये स्क्वायर्स में हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। सो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसने सिर्फ ये पूछा है कि एम और एन की कितनी वैल्यूज आएंगी, सो वी गेट टू वैल्यूज ऑफ एम एंड टू वैल्यूज ऑफ एन रिस्पेक्टिवली, तो इसलिए डी पार्ट इज द आंसर फॉर अस। सेकेंड है हमारे पास इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई प्लस टू जे माइनस थ्री के एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू थ्री आई माइनस जे प्लस लैम्डा के, और हमें बोलता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ओके, तो वी नीड टू फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम सीधा यहां से लिखेंगे 1 प्लस 3 फोर आई प्लस 2 माइनस 1 थ्री जे और 2 माइनस 1 जे
एंड प्लस थ्री माइनस थ्री प्लस लेमडा के और लेमडा माइनस थ्री के ले लेते हैं इसको। इसको हम डायरेक्टली लेमडा माइनस थ्री के ले लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। सिमिलरली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज आई माइनस थ्री आई इज माइनस टू आई प्लस थ्री जे और माइनस कॉमन ले लेंगे तो थ्री प्लस लेमडा के। अब इसने बोला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। दिस इंप्लाइज दैट, बस हमने इसको इतना लंबा करने की भी जरूरत नहीं थी हम लोगों को, चलिए कोई बात नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये सिंपली क्या बन जाता, ये बन जाता मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। ये आपके पास आ जाता मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी स्क्वायर और ये हमारे पास क्या बन जाता मॉड ऑफ ए स्क्वायर और मॉड ऑफ बी स्क्वायर को भी हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट डायरेक्टली एज ऐसे वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्री स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। तो अगर हम इसको देखें ना तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वन प्लस फोर प्लस नाइन इज इक्वल्स टू नाइन प्लस वन प्लस लैम्डा स्क्वायर एंड लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर एंड लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस टू। तो फिर हमें ना ए प्लस बी और ए माइनस बी भी निकालने की जरूरत नहीं, हमें इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे को इसको लिखे बिना ही वी कैन गेट दिस आंसर। द थर्ड वन विद अस इज फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एम आर द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर। देखें हमारे पास गिवन वेक्टर्स क्या हैं, गिवन वेक्टर्स आर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ए वेक्टर इज इक्वल्स टू टेन आई प्लस थ्री जे b वेक्टर इज इक्वल्स टू ट्वेल्व आई माइनस फाइव जे एंड c वेक्टर इज इक्वल्स टू एम आई प्लस इलेवन जे। अब हमारे पास बोलता है a b c आर कोलिनियर, कहता है कि अगर ये तीनों वेक्टर्स हमारे पास कोलिनियर हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b वेक्टर माइनस a वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स c वेक्टर माइनस b वेक्टर। यानी 2i माइनस 8j is equals to lambda times m minus 12i plus 16j। Yeah, they got 2i is equals to lambda times m minus 12 and माइनस एट जे इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स सिक्सटीन जे। सो लेमडा इज इक्वल्स टू
माइनस टू, ये हमारे पास लेमडा का वैल्यू आ गया, एंड इसी लेमडा के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये आएगा 2i इज इक्वल्स टू माइनस टू इंटू हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, टू इज इक्वल टू एम माइनस ट्वेल्व लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू हो जाएगा और यहां माइनस वन बाई टू आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा फोर इज इक्वल्स टू माइनस एम प्लस ट्वेल्व एंड एम इज इक्वल्स टू एट, सो एम इज इक्वल्स टू एट इज द फाइनल आंसर, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना था। तो m इज इक्वल टू एट इज द फाइनल आंसर, काइंडली अब नोट करिए इसको, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमारे पास है, व्हाट आर द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। अब देखिए बोलता है ए वेक्टर पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन इज ऑलवेज ऑफ द टाइप एक्स आई प्लस वाई जे and it is perpendicular to 4i minus 3j plus k. तो मैं इसको क्या करूंगा, ये इस टाइप का वेक्टर होगा और इसका परपेंडिकुलर है, इट इज परपेंडिकुलर टू द सेकेंड वेक्टर, तो मैं सीधा ऑप्शन यूज करूंगा किन दो वेक्टर्स का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है। जैसे हमारे पास ऑप्शन दी गई है, इफ आई टेक द ऑप्शन आई प्लस जे अपॉन रूट टू, अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात समझने वाली वो ये है कि इसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर में इसका यूनिट वेक्टर जो बन रहा है, डिनोमिनेटर में कुछ भी आएगा वो हमें मैटर ही नहीं करता, हमारे को मैटर करता है ये जो न्यूमिरेटर में है फोर आई माइनस थ्री जे प्लस के, वी जस्ट हैव टू चेक द डॉट प्रोडक्ट। फोर आई माइनस थ्री जे प्लस के, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या है, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या है, हमें सिर्फ यही चेक करना है। तो आपके पास डिनोमिनेटर में रूट टू आप बाहर ले लीजिए और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आ जाएगा फोर माइनस थ्री इक्वल्स टू, ये बन जाएगा वन बाय रूट टू, यानी ये जीरो नहीं बन रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं है। फिर इसी तरह से आपको देखना है कि यार कौन से ऐसा वेक्टर लूं कि मेरा इसके साथ, तो आप थर्ड ऑप्शन अगर लें जिसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन टू अस एज प्लस माइनस थ्री आई प्लस फोर जे अपॉन फाइव डॉट फोर आई माइनस थ्री जे प्लस के। So this is plus minus, ये आ जाएगा थ्री फोर जा ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व अपॉन फाइव इक्वल्स टू जीरो अपॉन फाइव इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स दिस इज द वेक्टर वी आर टॉकिंग अबाउट, तो दिस इज द वेक्टर, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द आंसर फॉर अस।
तो सिंपली हम लोगों को डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट लेके हम चेक कर लें कि किसके साथ जीरो बन रहा है डॉट प्रोडक्ट, तो वो वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस, एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस का हमारे पास क्या है, वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो वेक्टर हम पॉइंट ए को पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर मान लेते हैं। ए वेक्टर है हमारे पास 2i+j, बी वेक्टर है हमारे पास 2j+k, एंड सी वेक्टर है हमारे पास mk। और ये बोलते हैं इनका सेंट्रोइड जो है, सेंट्रोइड इज एट i+j+k, सो सेंट्रोइड ऑफ दीज थ्री पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन टू अस एज i+j+k। अगर हमारे पास इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, देन देन सेंट्रोइड इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर अपॉन 3। ये हमें सेंट्रोइड का फॉर्मूला है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हियर 2i+i 3i, मैं ऐड कर रहा हूं अब सीधा डायरेक्टली इनको, j+j 2j यानी 3j प्लस m+1k डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू i+j+k। सो दिस गिव्स अस 3i+3j+m+1k इज इक्वल्स टू i+j+k, और सॉरी 3i+3j+3k आ जाएगा। सो यहां पे आपके पास क्या बन जाएगा, m+1 = 3, m = 2, सिंपल। सो मेन जो आपके पास था वो क्या फाइंड आउट करना था आपने, वो आपने फाइंड आउट करना था कि सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ 3i+4j+5k। ठीक है, अब गिवन वेक्टर इज थ्री आई प्लस फोर जे प्लस फाइव के, एंड यहां पे बोलता है कि व्हाट इज इट्स प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन। जब हम प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे,
will consider the magnitude of I and J component. That's it. तो जब एक्स वाई प्लेन के ऊपर बात कर रहे हैं, इसके प्रोजेक्शन की, इस वेक्टर के प्रोजेक्शन की, यानी इसकी शेडो होती है, प्रोजेक्शन इज लाइक ए शेडो, तो जब इसकी शेडो की बात हो रही है तो हम लोग आई और जे कंपोनेंट की बात करेंगे। अगर ये वाई जेड प्लेन की बात करता तो जे और के कंपोनेंट लेते, और इन द सेम वे अगर ये एक्स जे एक्स जेड प्लेन की बात करता तो हम लोग के और आई कंपोनेंट लेते। अब यहाँ पे हमारा जे कंपोनेंट क्या है, आई कंपोनेंट है 3 और जे कंपोनेंट है 4, तो हम लोग डायरेक्टली इसी का ही मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड हमारे पास करेगा required projection is simply three square plus four square is equals to 5. Okay. Now the next one is magnitude of the projection of the vector A on the vector B. ये बड़ा simple है. Projection of A on B. अब जिसके ऊपर प्रोजेक्शन होता है ना उसको हम, इट इज लाइक ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ बी वेक्टर। अब यहां पे आपके पास ए वेक्टर गिवन है आई माइनस टू जे प्लस के, एंड बी वेक्टर गिवन है 4i minus 4j plus 7k. मोड ऑफ b वेक्टर निकाल लेते हैं. दिस इज 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, एंड मोड ऑफ b आपके पास आ जाएगा 81 इक्वल्स टू 9. Right, and therefore also a dot b kya jayega, it is I minus 2j plus k upon in dot, sorry, 4i minus 4j plus 7k. This is equals to 4 plus 8 plus 7 is equals to 19. So therefore, हमारे पास क्या जाएगा? अब हमारे पास ऑप्शंस हैं बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 2 एंड 3, बिटवीन 3 एंड 4, बिटवीन 4 एंड 5. तो ये बिटवीन 2 एंड 3 है, तो इट लाइज बिटवीन 2 एंड 3. तो 2 एंड 3 इज द आंसर फॉर अस. 19 अपॉन 9 इज 2 पॉइंट समथिंग, इट इज 21 बाय 9 या 2.11. सो इट लाइज बिटवीन 2 एंड 3. सो हमारा जो आंसर रहेगा वो 2 एंड 3 रहेगा. काइंडली इनको नोट करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. अब ए वेक्टर हमारे पास दिया गया है इस केस में 2i माइनस 3j प्लस 6k, एंड बी वेक्टर दिया गया है माइनस 2i प्लस 2j माइनस के, और दिया गया है लैम्डा इज इक्वल्स टू प्रोजेक्शन ऑफ
ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो जब ये फाइंड आउट करने का मतलब कि हमें लैम्डा का वैल्यू जो है वो बेसिकली क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। नाउ इफ यू सी दिस एंड दिस गॉन, this implies that lambda is equals to yaad aayega mod of a vector upon mod of b vector, that is equals to two square minus 3 square plus 6 square all divided by 2, and our answer is 7/3. Look at the next question. The next question is find the value of p so that हमारे पास तीन वेक्टर्स दिए गए हैं और अगर ये तीन वेक्टर्स अगर कोप्लेनर हैं तो इनका स्केलर टिप पर प्रोडक्ट जीरो होगा, यानी इनका डिटर्मिनेंट वैल्यू, इनके कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 - 1 - 1, 1 - 2 - 3 एंड 3 - p - 5, तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो होगा। तो ये आप खुद से फाइंड आउट करेंगे इसको, यू विल डू इट योरसेल्फ नाउ, ये तो सिंपल सा है। विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये बोलता है नेक्स्ट, इफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर is perpendicular to, oh sorry, dot a vector plus b vector equals to zero. Then, तो हमारे को पता है कि ये जो a vector minus b vector dot a vector plus b vector होता है, ये होता है mod of a square minus mod of b square, and this is equals to zero. This implies that mod of a square is equals to mod of b square, and this finally gives us mod of a is equals to mod of b. So, for that matter, c is the answer for us. Look at question number 11. Question number 11 is A is equals to 4i plus 6j. And B vector is equals to
थ्री जे प्लस फोर के। ये बोलता है फाइंड द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए अलोंग बी। अब ये जो ए अलोंग बी होता है ना, ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, मैंने तो इसको ऐसे याद रखा, हमने समझा भी था, और ये क्वेश्चन करते वक्त कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि यार इसको किस तरह से लें। जब वर्ड अलोंग यूज हो रहा है ना, तो ये हमारे पास मॉड ऑफ बी स्क्वायर आ जाएगा नीचे मॉड ऑफ बी की जगह, और इनटू बी वेक्टर आ जाएगा। डॉट नहीं है, ये बी वेक्टर है। अब आप यहां पे देखें, वी विल बी हैविंग a vector dot b vector is four i plus six j dot three j plus four k। So this is 18. Then, हमारे पास आ गया मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, दिस इज थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। सो रिक्वायर्ड आंसर इज required vector is 18 upon 25 times cj plus 4k। This is the answer. यहां इसने बोला है ट्वेल्थ में इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू थ्री मॉड ऑफ बी इज इक्वल्स टू फाइव एंड मॉड ऑफ सी इज इक्वल्स टू सेवन एंगल बिटवीन ए एंड बी। हमें एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना है, यानी ए डॉट बी हमें फाइंड आउट करना है एक तरह से। तो हम देखेंगे यहां पे, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस सी वेक्टर, कोई फर्क नहीं आएगा। स्केयरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्केयर इज इक्वल्स टू माइनस सी वेक्टर का होल स्केयर, ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी, और ये आ जाएगा मॉड ऑफ सी स्क्वायर। वैल्यूज लगा लेते हैं, थ्री स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी इज इक्वल्स टू सेवन स्क्वायर। नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस टू ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 49, टू टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 49 माइनस 34 इक्वल्स टू 15।
ए हमारे पास 3 दिया गया है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 15, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5 या जाएगा 1/2, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 आ रही है, सो थीटा विल बी इक्वल्स टू 5/3। सो फाइव बाय थ्री इज द आंसर फॉर दिस, दिस इज हाउ वी हैव गॉट द आंसर। सो 1/2 वॉज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा and that is why we have taken it as 5/3. Okay, note it down please. Question number 13 में हमारे पास दिया गया है, हमें दिया गया है a vector cross b vector whole square plus a vector dot b vector whole square is equals to 144. Mod of A vector हम लोगों को दिया गया है 4 और हमें mod of B vector find out करना है। हम लोगों ने languages identity पढ़ी थी जो क्या बोलती थी, जो बोलती थी A vector cross B vector whole square plus A vector dot B vector whole square is equals to mod of A square into mod of B square. तो ये हमारे पास already दिया गया है 144 is equals to 4 square dot B mod of B square. यह आ जाएगा 144/16 so mod of b is equals to 3. तो ये है जी इसका आंसर जो आप फाइंड आउट करेंगे, राइट। एंड कुछ क्वेश्चंस अब आगे आप खुद से ट्राई करेंगे आज जो मैंने आपको बताया, कल हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज इतने रखते हैं एंड वन मोर रिक्वेस्ट, जो आपके टेस्ट हमने मैंने कल लिया था, आप मेरे साथ ना उसके डाउट्स जो हैं वो शेयर करिएगा, नंबर और क्वेश्चन नंबर उसके, ताकि मैं आपके साथ उन डाउट्स के ऊपर भी आपको आपके वो डाउट्स क्लियर कर पाऊं। सो काइंडली गो थ्रू योर टेस्ट, जो भी आपके डाउट्स हैं उसमें मार्क द नंबर्स, पुट इट इन द ग्रुप एंड देन आई विल बी एबल टू गिव यू द सॉल्यूशंस फॉर दैट, आई विल बी एबल टू क्लियर योर डाउट्स। तो आज इतने रखेंगे, कल आगे मिल करते हैं। सो बाय फॉर टुडे, टेक केयर, गॉड ब्लेस, कीप ऑन स्टडिंग हार्ड एंड यू हैव टू क्रैक दिस पेपर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। सो जय हिंद।